अगला क्वेश्चन है, टू फोर्स F1 15 न्यूटन F2 35 न्यूटन एक्ट अपॉन ईच अदर एट 6 डिग्री, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में नहीं दिया है, जैसे यहाँ पर F इक्वल टू 15 IJK, यहाँ पर वो एक्सप्रेशन नहीं है। तो यहाँ पर जो फोर्स है क्योंकि वो स्केलर फॉर्म में है, तो इसलिए अब अगर आपको रिजल्टेंट लगाना है तो रिजल्टेंट के लिए वो जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था R इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, वो लगाना पड़ेगा। तो ज़रा इसको देखिए, तो दो फोर्सेज यहाँ पर बता रहे कि फोर्स F1 एंड F2, तो ये लो लेट्स से कि ये F1 है कितनी 15 न्यूटन एंड ये है F2, दिस इज F2 कितना 35 न्यूटन और ये इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 times F1 इंटू F2 इंटू cos थीटा, करेक्ट यही बनेगा। ओके, तो अब ये जो है R इक्वल टू अंडर रूट F1 कितना 15, तो 15 का स्क्वायर, F2 कितना 35 का स्क्वायर प्लस 2 times 15 इंटू 35 इंटू cos, इनके बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री का, cos 60। ओके, सो द रिजल्टेंट इज अंडर रूट 15 का स्क्वायर कितना, 15 का 225, 35 का कितना 1225 प्लस 2 times 15 इंटू 35। तो एक काम करते हैं इसको ऐसे लिखते हैं 2 times 15 इंटू 35, cos 60 कितना होता है 1/2, दिस इज 1/2। तो क्या होगा फिर, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट 225 प्लस 1225 प्लस 15 इंटू 35 दैट इज 525 एंड सॉल्व हो जाने के बाद ये जो रिजल्टेंट आएगा दिस विल बी 1975 एंड 1975 का जो रूट निकल के आता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 44.4, है ना, ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, आप लोग चाहिए तो इसको अलग से सॉल्व कर सकते हैं। सो द रिजल्टेंट इज 44.4 न्यूटन, मतलब कि ये दोनों फोर्सेज आपस में एक्ट कर रही हैं, ये दोनों फोर्सेज आपस में एक्ट कर रही हैं तो जो इनका रिजल्टेंट निकल के आ रहा है, देयरफॉर द रिजल्टेंट फोर्स इज 44.4 न्यूटन। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो 44.4 न्यूटन होगा, राइट, नंबर वन। नंबर टू, कहां की तरफ, किधर को आएगा रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट समवॉट इनके बीच में आएगा, परफेक्ट बीच में नहीं आएगा, होता यह है कि जो पावरफुल होता है उसकी तरफ आता है। तो यहाँ पे पावरफुल कौन है, ये 35 न्यूटन वाला है, है ना, तो जो रिजल्टेंट बनेगा ये टूवर्ड ओरिएंटेड रहेगा 35 न्यूटन के, पर होएगा इन दोनों फोर्सेस के बीच में ही, F1 एंड F2 के ही बीच में होगा, लेकिन किसकी तरफ ज़्यादा होगा, जो फोर्स पावरफुल है उसकी तरफ। अब एक काम करिए, जैसे देखिए ये एक फोर्स है और ये दूसरी फोर्स है, मान लीजिए ये F1 है 15 न्यूटन, ये दूसरी है F2 15 न्यूटन, तो इन दिस केस जो रिजल्टेंट बनेगा वो एग्जैक्टली सेंटर में होगा। क्यों होगा एग्जैक्टली सेंटर में, क्योंकि दोनों इक्वली पावरफुल हैं, ऑलराइट, तो ये बात समझ में आ गई। तो जो रिजल्टेंट होता है वो उन दोनों वेक्टर के बीच में होता है और वो भी किसकी तरफ, उसकी तरफ ज़्यादा झुका होगा जिसका मैग्नीट्यूड हाई होगा। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए अगला सवाल, द रेशियो ऑफ टू फोर्सेस इज 3:5, गिव अ रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इफ दे एक्ट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ईच अदर। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको बता रखा है कि दो फोर्स है, एक फोर्स मान लेते हैं ये है F1 एंड ये दूसरी फोर्स है F2, ये दोनों आपस में 60 डिग्री के एंगल पे एक्ट कर रही हैं। तो F1 एंड F2 का रेशियो 3:5 का, मतलब अगर F1 3x है तो F2 5x रहेगा, है ना, और ये क्या बोल रहा है, और इनका जो रिजल्टेंट है वो कितना बता रखा है 28 न्यूटन। इस बार आपको रिजल्टेंट बता रखा है और आपको पूछा है कि वो फोर्सेस कौन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, हर एक फोर्स कितनी है। तो वही है सेम चीज, यहाँ पे लॉजिक लगेगा, क्या लगेगा कि जो रिजल्टेंट होता है ये बनेगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 times F1 F2 इंटू cos थीटा। तो रिजल्टेंट 28 है इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस F2 मतलब 5x का स्क्वायर प्लस 2 times 3x इंटू 5x इंटू cos 60 डिग्री।
है ना। अच्छा cos 60 कितना होता है, 1/2, क्योंकि cos 60 1/2 होता है तो cos 60 एंड ये 2 कैंसिल हो जाएगा। आप चाहो तो पहले यहाँ पे लिख सकते हो cos 60 1/2 है, फिर 2 को 2 से कट कर दो, या डायरेक्टली यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, राइट। ओके, तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, दिस इज 28 इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9x² 5 का 25x² प्लस 5 3 15x², तो डू वन थिंग, तीनों में से x स्क्वायर कॉमन ले लो, है ना, x स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचता है 9 प्लस 25 प्लस 15, तो कितना हो गया ये 28 इक्वल टू ये बन जाएगा रूट x स्क्वायर इंटू 25 और 15 40, 40 और 9 49, तो अंडर रूट x स्क्वायर एंड 49 क्या बनेगा ये, x स्क्वायर का रूट क्या होता है x, 49 का रूट क्या होगा 7, बेसिकली ये बन जाएगा 7x, ये बन जाएगा 7x, इसका मतलब x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, यहाँ से x इक्वल टू 4 आया, तो f1 कितना होगा, व्हाट विल बी द f1, तो f1 है 3x, तो 3 इंटू 4 दैट इज 12 न्यूटन, f2 कितना होगा 5 इंटू x की जगह पर 4, 5 4 जा 20 न्यूटन, करेक्ट, तो f1 आ गया 12 न्यूटन एंड f2 आ गया 20 न्यूटन। तो यहां पर आपको ये लॉजिक लगाना है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, देखा जाए तो यहां पर क्वेश्चन वेक्टर के फॉर्म में नहीं है, यहां पर क्वेश्चन वेक्टर के फॉर्म में नहीं है, लेकिन रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको लगाना पड़ रहा है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू टाइम्स पी वन इंटू पी टू, मतलब टू टाइम्स पी इंटू क्यू इंटू कॉस थीटा, तो ये आपको लगाना है। तो याद रखिए, जब जब क्वेश्चन वेक्टर के फॉर्म में दिया होगा तब तब रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको डायरेक्टली एडअप कर देना है, अगर क्वेश्चन वेक्टर के फॉर्म में है तो रिजल्टेंट निकालने के लिए सीधा ऐड कर दो, लेकिन अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में नहीं है, ये स्केलर फॉर्म में है और एंगल दिया हुआ है, तब तब आपको ये पैरेललोग्राम लॉ लगाना है। अच्छा, ये जो ट्रायंगुलर लॉ होता है, पैरेललोग्राम लॉ है, ये दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम ही है, क्यों सेम है जरा समझो इसको। सपोज करो कि ये दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है एंड दूसरा वेक्टर ये है, सपोज दीज आर टू वेक्टर्स, करेक्ट, इनका जो रिजल्टेंट निकल के आया वो लेट्स से कुछ ऐसा आया, रिजल्टेंट कुछ ऐसा बन करके आया, क्या मैं इस रेड वाले वेक्टर को इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, क्या मैं इस रेड वाले वेक्टर को इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, है ना। ओके, अब मैं ये जोड़ देता हूँ यहाँ से, तो डोंट यू थिंक सो कि ये पैरेललोग्राम बन गया, देखो जरा क्या ये पैरेललोग्राम है, ओके, तो दिस इज अ पैरेललोग्राम, और इतना पोर्शन देखो क्या ये ट्राइंगल है, क्या ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये दोनों सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, हाँ बस फर्क ये है कि सिर्फ एक नजरिए वाला फर्क है, जैसे अगर दो वेक्टर का ओरिजिन एक ही है, ये देखिए एक वेक्टर ये जा रहा है और एक वेक्टर ये जा रहा है और दोनों का ओरिजिन सेम है, मतलब कि दोनों थीटा एंगल पे जा रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग लगाओ पैरेललोग्राम लॉ। क्यों भाई पैरेललोग्राम लॉ क्यों लगाएं, क्योंकि अगर आप इसको कंप्लीट करें तो ये बन के तैयार होता है एक पैरेललोग्राम, तो कोई सामने वाला बोल सकता है यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ लगाओ, लेकिन अगर इसी चीज़ को आप ध्यान से देखो कि अगर ये वेक्टर इधर है एंड दूसरा वेक्टर यहाँ पर ये है, तो अगर मैं इस रेड वाले को शिफ्ट कर दूँ इधर पे, तो शिफ्ट तो किया जा सकता है वेक्टर, एंड जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट तो ऑब्वियसली यही होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इस पहले वाले को मैं हटा देता हूँ क्योंकि मैंने इसको शिफ्ट किया, अब ये क्या बन के तैयार हुआ, व्हाट इज दिस, दिस इज अ ट्राइंगल, दिस इज अ ट्राइंगल, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर ट्राइंगुलर लॉ लगाओ, तो पैरेललोग्राम लॉ, ट्राइंगुलर लॉ दोनों सेम ही है एंड दोनों के लिए जो डेरिवेशन है वो भी सेम है। अच्छा, इसमें फ़र्क क्या है, ये ट्राइंगुलर लॉ है ना, ट्राइंगुलर लॉ क्या हुआ यहाँ पर, तो देखो ट्राइंगुलर लॉ में हुआ क्या, जब ये ग्रीन वाला वेक्टर ख़त्म हुआ, जब ये ग्रीन वाला वेक्टर ख़त्म हुआ तो जाकर के ये रेड वाला शुरू हुआ, तो जाकर के रेड वाला शुरू हुआ। मान लीजिए कि किसी ने एक फुटबॉल रखी हुई थी यहाँ पर, ये फुटबॉल पहले यहाँ पर आई, फिर किसी ने धक्का देके उस फुटबॉल को यहाँ पर कर दिया, है ना, पोजीशन नंबर ए पे थी पहले फुटबॉल, फिर बी पे एक ने पहुँचा दिया, फिर बी से सी पे दूसरे ने पहुँचा दिया, तो नेट क्या हुआ, व्हाट इज़ द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ये हुआ कि फुटबॉल ए से सी पर पहुंची, तो आप बोल सकते हो कि ये ट्रायंगुलर लॉ लगेगा और जो ऊपर है वो पैरेललोग्राम लॉ, दोनों एक ही चीज़ है। तो चलो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है अ बोट मूविंग टुवर्ड नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, ये कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाते हैं, देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए ज़रा, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ।
तो जो बोट है, बोट इज मूविंग टुवर्ड नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। तो ये देखिए, ये जो बोट है ये नॉर्थ की तरफ जा रही है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट, कितना 25 किलोमीटर पर आर, ओके। एंड द वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो देखो, ये यहाँ पर साउथ है, ये यहाँ पर साउथ है, ये साउथ का ईस्ट की डायरेक्शन में है और ये साउथ का वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये जो वाटर करंट है कहाँ पर बोल रखा है, 60 डिग्री इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब कि ये देखिए वाटर करंट कुछ ऐसी जा रही है, एंड ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल बता रखा है 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री, एंड ये क्या है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट, कितना 10 किलोमीटर पर आर, 10 किलोमीटर पर आर। अब देखो, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पर तो क्वेश्चन वेक्टर के फॉर्म में दिया नहीं है, वेक्टर के फॉर्म में दिया होता तो रिजल्टेंट कितना अच्छा था, डायरेक्टली ऐड अप कर देते, बात खत्म हो जाती, लेकिन यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते। खैर, तो ये VB है, ये VW है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, तो हमको तो ये वाला एंगल कंसिडर करना पड़ेगा। वॉट इज दिस एंगल, दिस एंगल इज 120 डिग्री, ठीक है ना। वॉट इज दिस, दिस इज 120 डिग्री, मतलब जो बोट है, बोट नॉर्थ की तरफ जाना चाहती है, वाटर करंट जो है उसको साउथ ईस्ट की तरफ धकेल रहा है, वाटर करंट उसको साउथ ईस्ट की तरफ धकेल रहा है, बोट को जाना है नॉर्थ की तरफ और जो वाटर करंट है उसको साउथ ईस्ट की तरफ धकेल रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर, वॉट विल बी द रिजल्टेंट, मतलब बोट के साथ क्या होगा, बोट के साथ क्या होगा, तो वही होगा, रिजल्टेंट बनेगा वेलोसिटी ऑफ बोट का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बोट वेलोसिटी ऑफ वाटर इनटू कॉस थीटा, सो द रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ बोट का स्क्वायर, मतलब 25 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इंटू 25 इंटू 10 इंटू कॉस 120 डिग्री इंटू कॉस 120 डिग्री, ठीक है। तो अब भाई वही बात हो गई, आर इक्वल टू अंडर रूट 25 का स्क्वायर कितना होता है, 2 3 6, 625, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 प्लस, अब यहाँ पर 2 इंटू 25 तो 25 टू ज़ा 50 इंटू 10 500, कॉस 120 कितना होता है, व्हाट इज़ द वैल्यू फॉर कॉस 120, तो जो ट्रिग्नोमेट्री जो मैंने आपको सिखा रखा है, अब आप उसकी तरफ उसके तरीके से सोचिए। एक छोटा हिंट मैं आपको ये दे देता हूँ, देखो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, क्या आपको इनके एंगल्स पता हैं, है ना, 0 30 45 60 90, ये तो आपको वैल्यूज पता है। अगली चीज़ देखिए, ये जो 90 है ना, अगर इस 90 में मैं 0 प्लस करूँगा तो क्या आएगा, 90 प्लस 0 90, 90 में ये 30 प्लस करूँगा तो कितना आएगा 120, 90 में 45 प्लस करूंगा तो कितना आएगा 135, 90 में 60 प्लस करूंगा तो 150, 90 में 90 प्लस करूंगा तो 180। इसका मतलब जो वैल्यू आपको 60 डिग्री पे मिलेगी वही वैल्यू 120 डिग्री पे मिलेगी, है ना, जो वैल्यू 60 पे मिलेगी। अच्छा, cos 60 कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू फॉर cos 60, cos 60 होता है 1/2, तो इसका मतलब 120 भी 1/2 होगा। बट ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है ना, 0 30 45 60 90 दिस कम अंडर फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, इसके लिए प्लस हाफ है, जबकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो इसका ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हाफ होगा, इसीलिए ये बनेगा 2 इंटू 25 इंटू 10 इंटू माइनस हाफ इंटू माइनस हाफ, ठीक है। ये मैंने पूरा आपको वो जो टॉपिक है अंडर द ट्रिग्नोमेट्री, ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, एक बार वो अलग वीडियो देख लेना। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर, रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट, दिस इज 625। अच्छा, एक काम करते हैं ना, पहले ये माइनस 250 हो जाएगा, राइट, 25 इंटू 10 250 250, तो 100 में से 250 गया तो कितना बचा 150 बचा, तो अब 625 में से 150 माइनस कर दो, तो पहले तो 100 माइनस कर दो, तो 100 मतलब 525 और 50 माइनस कर दो, तो 25 माइनस करेंगे तो 500 और 25 में 475, तो ये बन जाता है अंडर रूट 475, दिस बिकम्स अंडर रूट 475। अच्छा, 475 का रूट कितना आता है, 21.8 किलोमीटर, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, दिस इज 21.8 किलोमीटर पर आर, 21.8 किलोमीटर पर आर, मतलब ये जो बोट है, बोट 21.8 किलोमीटर पर आर के रफ्तार से जाने वाली है। अच्छा, अब किस तरफ जाएगी, किस तरफ जाएगी, तो देखो वेलोसिटी ऑफ बोट इस तरफ है, वेलोसिटी ऑफ वाटर इस तरफ है, जाएगी समवॉट कुछ इस तरफ, ये डायरेक्शन होगा उसका,
ठीक है, दिस विल बी द डायरेक्शन, क्लियर, ये उसकी डायरेक्शन होगी। अच्छा, अगर बाय चांस किसी ने डायरेक्शन पूछ लिया तो डायरेक्शन के लिए आप क्या करोगे, लेट से कि बोट कुछ ऐसी गई, लेट से बोट कुछ ऐसी गई, तो अगर बोट ऐसी गई है यहां पर तो क्या एंगल रखेगी, तो चलो एक काम करते हैं, इस एंगल को ट्रीट करते हैं, लेट से कि ये जो एंगल है, ये एंगल है बिटवीन द रिजल्टेंट, है ना, ये जो है ये रिजल्टेंट ही तो है, बोट अल्टीमेटली जाएगी कहाँ, यहाँ पर जाएगी, सो लेट से कि ये जो एंगल है, इस एंगल को मैं अल्फा का नाम देता हूँ, सो दिस एंगल इज अल्फा, सो अल्फा इज द एंगल बिटवीन वी बी एंड आर। अब आपको शायद याद होगा जो हमने किया था उस वक्त, कि देखो ये है वेक्टर पी एंड ये है वेक्टर क्यू, एंड ये रिजल्टेंट था, दिस वॉज द रिजल्टेंट, और इसको हमने अल्फा का नाम दिया था, अल्फा वॉज द एंगल बिटवीन आर एंड पी, तो याद करो जरा फॉर्मूला क्या पड़ा था, टेन अल्फा इक्वल टू, टेन अल्फा इक्वल टू, तो टेन अल्फा क्या था, क्यू, है ना, क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा, याद है। तो उसमें हमको क्या ध्यान देना था कि ये जो अल्फा एंड आर, मतलब आर अल्फा के थ्रू जिससे कनेक्टेड है वो पी का नाम मिलेगा उसको, है ना, ये जो आर होता है ना रिजल्टेंट, रिजल्टेंट अल्फा के थ्रू जिसके साथ कनेक्टेड है उसको क्या नाम दे देंगे हम लोग, पी का नाम दे देंगे। अब यहां पर देखो आर अल्फा के साथ जो कनेक्टेड है वो वी भी है, मतलब यहां पर पी का काम कौन कर रहा है, इस केस में ये जो पी का काम कौन कर रहा है, पी का काम करेगा वी भी, है ना, देखो ना रिजल्टेंट अल्फा के थ्रू जिससे कनेक्टेड होगा उसको हम पी का नाम देंगे, तो रिजल्टेंट देखो अल्फा के थ्रू किससे कनेक्टेड है, वीबी के साथ, तो पी होगा वीबी, एंड जो क्यू होगा, क्यू होगा वो क्या होगा दूसरा वेक्टर, तो दूसरा वेक्टर क्या है वीडब्ल्यू, तो एक काम करते हैं इसी फॉर्मूले को लिखते हैं, टेन अल्फा विल बी इक्वल टू क्यू, क्यू की जगह पर क्या आ जाएगा वीडब्ल्यू, वीडब्ल्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय, दूसरा क्या हो जाएगा P की जगह पर क्या आएगा वीबी, वीबी प्लस वीडब्ल्यू कॉस थीटा, दिस विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू वीडब्ल्यू कितना है यहां पर, व्हाट इज द वीडब्ल्यू, 10, तो ये हो जाएगा 10 साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाय वीबी, व्हाट इज वीबी, वीबी विल बी 25, है ना, वेलोसिटी ऑफ बोट कितना है 25, सो दिस इज 25 प्लस 10 कॉस 120 डिग्री, तो क्या होगा ये होगा 10 अल्फा इक्वल टू 10 इंटू साइन 120 कितना होता है, तो देखो जो वैल्यू साइन के 60 पे होगी वही 120 पे होगी, साइन 60 होता है रूट 3 बाई 2, तो साइन 120 भी होगा रूट 3 बाई 2, और आप जानते हैं कि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इस वजह से ये प्लस रूट 3 बाई 2 होगा डिवाइडेड बाय 20 प्लस 10 इंटू माइनस 1 बाई 2, कटिंग शटिंग करो 2 5 ज़ 10, है ना 2 5 ज़ 10, तो ये क्या बना, ये बना 10 अल्फा इक्वल टू 5√3 डिवाइडेड बाय 25 में से 5 गया बचता है 20, तो ये क्या बना 5 4 ज़ 20, तो 10 अल्फा इक्वल टू रूट 3/4, है ना 10 अल्फा इक्वल टू रूट 3/4, तो अल्फा क्या हो जाएगा 10 इनवर्स रूट 3/4। अच्छा क्या आप जानते हैं रूट 3/4 मतलब 10 रूट 3/4 कब देता है, डू यू नो, और अगर नहीं पता है तो छोड़ दो इतने पे, सो ये वो एंगल है, मतलब रिजल्टेंट का वीबी के साथ जो एंगल है वो एंगल होगा 10 इनवर्स रूट 3/4। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे लेट से कि ये एंगल कितना है, ये एंगल बताओ हमको, ये वाला एंगल रिजल्टेंट का वीडब्ल्यू के साथ एंगल क्या है, रिजल्टेंट का वीडब्ल्यू के साथ एंगल क्या है, तो देखो टोटल एंगल 120 है, टोटल एंगल 120 है, 120 में से आप ये माइनस कर दीजिए 10 इनवर्स रूट 3/4, तो ये आपको दूसरा एंगल मिल जाएगा, लेट्स से कि ये जो दूसरा एंगल है ये बीटा है, तो बीटा कैसे निकलेगा, सो बीटा विल बी 120 डिग्री में से माइनस कर दो आप एंगल अल्फा को, एंगल अल्फा कितना है 10 इनवर्स रूट 3/4, दैट्स ऑल, ठीक है। तो रिजल्टेंट का वीबी के साथ जो एंगल है उसका नाम अल्फा है, और अल्फा की वैल्यू होगी 10 इनवर्स रूट 3/4, एंड बीटा जो एंगल होगा ये होगा 120 माइनस 10 इनवर्स रूट 3/4, दैट्स ऑल, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन कैन स्विम एट अ रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, अ रिवर 1 किलोमीटर वाइड फ्लो एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी,
हाउ मच टाइम ही विल टेक टू क्रॉस द रिवर. चलिए देखिए, समझिए, ये है रिवर, ठीक है, दिस इज द रिवर. ये भाई रिवर फ्लो कर रही है ना, ये यहाँ पे रिवर है, ये फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में. तो मैं ये बोल सकता हूँ कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, वी आर इस तरफ को फ्लो कर रही है. अ मैन कैन स्विम एट अ रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन द स्टिल वाटर. ठीक है, अगर पानी रुका हुआ है, अगर पानी रुका हुआ है तो वो कितना स्पीड से जा सकता है, 4 किलोमीटर पर आवर. अ रिवर 1 किलोमीटर वाइड. ठीक है, ठीक है, तो ये जो रिवर है ये यहाँ से यहाँ तक ये 1 किलोमीटर वाइड है, 1 किलोमीटर चौड़ी रिवर है ये. नदी किस हिसाब से जा रही है, 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से. वॉट इज हिज रिजल्टिंग वेलोसिटी. अब देखो, एक आदमी है वो यहाँ पर खड़ा है, ये जो आदमी है ये यहाँ पर खड़ा है, ये जाना चाहेगा सीधा ऐसे, है ना, ये जाना चाहेगा सीधा ऐसे. सो वॉट इज दिस, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन. क्या है ये, यह है वेलोसिटी ऑफ मैन. लेकिन आप जानते हैं कि जैसे ही वो आगे जाएगा नदी उसको इस तरफ को मोड़ देगी, है कि नहीं है. आप एक चीज़ सोचो, ये नदी है सामने, बहती हुई नदी है, बह रही है एक डायरेक्शन में. अब क्या होगा कि अगर मैं उसको क्रॉस करने के लिए जाऊं, क्योंकि नदी इस तरफ बह रही है, तो मैं एकदम सीधा नहीं जा पाऊंगा, मुझे नदी इस तरफ को फ्लो करवा देगी, क्योंकि नदी ऐसे बह रही है ना. तो अगर मैं सीधा जाऊंगा तो नदी मुझे इस डायरेक्शन में वो कर देगी. मान लो अगर नदी इस डायरेक्शन में जा रही है, मैं सीधा जाऊंगा तो नदी मुझे इस डायरेक्शन में धकेल देगी. तो वही हो रहा है. तो इसको नाम देंगे हम लोग वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर. तो ये क्या नाम बन गया, VMR. क्या नाम बन गया ये, VMR. अच्छा, यहां पर इन दोनों वेक्टर के बीच का जो ये एंगल है, कितना एंगल है ये, 90 डिग्री. तो आपसे पूछ रखा है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी, व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी, है ना. तो देखो, सबसे पहले तो ये जो वी आर है, दिस वी आर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर, और जो वी एम है, वी एम कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर. तो चलो, पहला जो सवाल है ए वाला, व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी. सो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैन, अच्छा, रिजल्टेंट वेलोसिटी को मैंने क्या नाम दिया, VMR. तो VMR क्या होगा, VMR का मतलब है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू द रिवर. VMR का मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर. तो VMR क्या होगा, अंडर रूट VM स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर प्लस 2 times VM into VR into cos 90. यही होगा. क्यों, क्योंकि इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का है. इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का है. अब cos 90 क्या होता है, 0 होता है. तो क्या ये हिस्सा लिखने की जरूरत है आपको, क्या ये वाला हिस्सा लिखने की जरूरत है, प्लस 2 times VM into VR into cos 90 लिखने की जरूरत है, नहीं है. तो ध्यान रखिएगा क्यों नहीं है, जब जब दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 का होगा तब तब डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम लगा दो. जब जब दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 का है तब तब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो. व्हाई, क्योंकि वो cos 90 वाला 0 हो जाएगा तो ये पूरे के पूरे को लेके डूबेगा. किसको, 2 into P into Q, उनको लेके डूबेगा. अच्छा, PQ का काम यहां पर कौन कर रहा है, VM एंड VR. तो इसीलिए VMR क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर विल बी इक्वल टू अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर. करेक्ट है. अच्छा, वैसे भी यहां पर देखो ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएटेड है. देखो जरा, एक राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएटेड है. राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइट है वो 4 है, मतलब ठीक है, वेलोसिटी के टर्म्स में है, और जो बेस है वो भी वेलोसिटी के टर्म्स में है. तो अगर ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना आएगा, 5 आएगा, है ना. तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इज VMR इक्वल टू अंडर रूट 4 square प्लस 3 square इक्वल टू अंडर रूट 25. अंडर रूट 25 कितना होता है, 5. सो द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर इज 5 किलोमीटर पर आवर. 5 किलोमीटर पर आवर. तो ये फर्स्ट का आंसर आ गया. तो अभी देखिए जरा, ये जो VMR है, VMR कितना निकल के आया, 5 किलोमीटर पर आवर. आदमी की एक्चुअली स्पीड 4 है, नदी की 3 है. तो आदमी जब नदी में कूदेगा तो उसकी जो स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी. कभी आपने ये ऑब्जर्व किया है क्या, कि जैसे एक नदी है, नदी में फ्लो कर रही है, जैसे मैंने तो बहुत बार देखा है, जैसे महाराष्ट्र में क्या होता है, बरसात के टाइम पे काफ़ी यहाँ पर जो नदियाँ हैं ये भर जाती हैं, बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाता है. तो फिर यहाँ पे लोग जब स्विमिंग करने की कोशिश करते हैं, प्रोफेशनल्स ओनली, जब वो स्विमिंग करने की कोशिश करते हैं तो उनकी वेलोसिटी बहुत बढ़ जाती है. क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो उनकी खुद की वेलोसिटी हो गई, प्लस ऊपर से जो नदी है, क्योंकि नदी का फ्लो भी उनकी वेलोसिटी बढ़ा देता है. तो बहुत तेज वो बहते हुए आपको नजर आएंगे. यहाँ तक कि हरिद्वार में आप देखोगे तो हरिद्वार में भी लोग ऐसे ही करते हैं, कई लोग नदी में छलांग लगाते हैं. तो क्या होता है कि जो उनकी वेलोसिटी होती है वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि नदी के साथ वो एडप हो जाती है ना. अच्छा, अगर ये नदी की डायरेक्शन में होता फ्लो, मान लो नदी इस तरफ जा रही है और ये बंदा भी इसी तरफ जा रहा है,
तो डायरेक्टली 4+3 7 हो जाना था, 4+3 7 हो जाना था। अगर नदी की नदी अगर ऐसे बह रही है और ये भी ऐसे ही जा रहा है तो 4+3 7 होना था। अगर नदी इस तरफ जा रही है और आदमी उल्टा जाएगा तो क्या हो जाता था, फिर 4-3 हो जाता, 1 हो जाता। लेकिन ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पे जा रहे ना, तो ये 4 है और ये साइड 3 है, तो इस वजह से ये क्या होगा, पूरी तरीके से एडअप नहीं होंगे। तो जो रिजल्टेंट यहां पर निकल के आएगा वो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से निकल के आएगा। सो द रिजल्टेंट विल बी 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। दूसरा सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला कहता है कि हाउ मच टाइम ही विल टेक टू क्रॉस द रिवर, उसको नदी क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो नदी क्रॉस करने के लिए जो टाइम लगेगा, क्या मैं ये बोल सकता हूँ टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, है ना, क्या मैं ये बोल सकता हूँ टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। ओके, कितना डिस्टेंस है ये नदी को क्रॉस करने के लिए, कितना उसको ट्रेवल करना पड़ेगा, 1 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब टाइम इज इक्वल टू 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। अब यहाँ पर सवाल ये है कि कौन सी वेलोसिटी लूँ मैं, कौन सी वेलोसिटी लूँ, ये वेलोसिटी ऑफ मैन लूँ 4 किलोमीटर पर आवर, या फिर ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर लूँ, क्या लूँ मैं, वेलोसिटी ऑफ मैन लेना है मुझे या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर लेना है, क्या लेना है मुझे। इन दैट केस ध्यान रखिए कि ये जो नदी है, नदी की जो वर्टिकल, खैर नदी तो वर्टिकल नहीं होती, बट इस डायग्राम के हिसाब से देखिए, ये जो 1 किलोमीटर है, क्या ये वर्टिकल डिस्टेंस है, है ना, क्या ये वर्टिकल डिस्टेंस है। तो आपको वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना होगा जो इसी के साथ पैरेलल है, मतलब जो इसी के डायरेक्शन में है। अब आप अगर VMR को देखोगे तो ये टेढ़ा है, जबकि VM को देखोगे तो VM इसके साथ साथ पैरेलल चल रहा है, बराबर, समझ में आया। तो इसीलिए यहां पर आपको लेना होगा वेलोसिटी में VM लेना होगा, तो VM आएगा इधर, ठीक है। तो VM कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर। मान लो अगर आपको ऐसा दिया होता कि जो नदी है वो यहां से यहां तक 2 किलोमीटर चौड़ी है, जस्ट एग्जांपल के लिए कि यहां से यहां तक जो नदी है वो 2 किलोमीटर चौड़ी है, इस वे में दिया है, तो अगर इस वे में दिया होता तो आपको VMR लेना पड़ता। सी द थिंग इज, नदी ऐसे में 1 किलोमीटर है ना, तो ऐसी वाली वेलोसिटी लो। नदी अगर ऐसे में 1 किलोमीटर है तो ऐसी वाली वेलोसिटी लो जो उसके पैरेलल चल रही है। नदी अगर ऐसी तो ये वाली वेलोसिटी लो, क्लियर है ये। तो यहां पर नदी जो है वो ऐसे में 1 किलोमीटर है, तो ये वाली वेलोसिटी आपको लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने 1 किलोमीटर डिवाइड बाय 4 किलोमीटर पर आवर रखा। तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, टाइम इक्वल टू 1/4 आवर। आप जानते हैं 1/4 आवर कितना होता है, 1 घंटे के 4 हिस्से कर दो तो हर एक हिस्सा कितना होगा, 15 मिनट, है ना। तो दूसरे का आंसर भी आ गया 15 मिनट, द सेकंड वन इज 15 मिनट। उसको 15 मिनट का टाइम लगेगा क्रॉस करने में, क्लियर है ये चीज। अब यहां पर तीसरा वाला देखिए, हाउ मच डेविएशन ही विल सफर फ्रॉम द स्ट्रेट ट्रैक, स्ट्रेट ट्रैक में वो कितना डेविएशन सफर करेगा। तो ये मैंने मार्क कर रखे हैं ऑलरेडी, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, मैंने यहां पर मार्क कर दिया। ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे उसको जाना था, पॉइंट बी पे वो पहुंच गया, पॉइंट ए पे उसको जाना था, पॉइंट बी पे वो पहुंच गया। तो कितना डेविएशन वो सफर करेगा, कितना डेविएशन वो सफर करेगा। तो भाई कितना टाइम तक था वो नदी में, कितना टाइम तक था, 15 मिनट था। 15 मिनट मतलब क्या, 1/4 आवर। तो नदी उसको 15 मिनट के हिसाब से तो अपने रास्ते से डेविएट करेगी। देखो जितना वो नदी में रहेगा उतना ही तो उसका डेविएशन होगा, है ना। तो जो डेविएशन है, डेविएशन सी वाला पॉइंट, डेविएशन वो कितना डेविएशन सफर करेगा, दैट विल बी इक्वल टू, कितना डेविएशन सफर करेगा, दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी ऑफ रिवर इंटू कितने टाइम तक वो था रिवर में। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर इंटू कितने टाइम तक था वो, कितने टाइम तक था। तो भाई वो कितने टाइम तक था, 15 मिनट तक था। 15 मिनट का मतलब है 1/4 आवर। तो 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर, है ना। आर से आर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये तो पर आर है और यह आर कैंसिल, तो ये बन गया 3000 मीटर डिवाइडेड बाय 4। 3000 का आधा होता है 1500 का आधा होता है 750, तो 750 मीटर। मतलब कि वो अपने रास्ते से 750 मीटर डेविएट होगा, वो अपने रास्ते से 750 मीटर डेविएट होगा, ठीक है। अपने रास्ते से कितना, 750 मीटर का डेविएशन उसको मिलेगा, क्लियर है। तो जाना था उसको पॉइंट ए पे और पहुंच गया वो पॉइंट बी पे, तो इतना डेविएशन वो सफर करेगा, क्लियर है। तो ये तीसरा वाला भी हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रिवर 800 मीटर वाइड फ्लो एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, सेम रिवर वाला क्वेश्चन है ये देखिए, ये रिवर है,
दिस इज द रिवर, कितनी चौड़ी है ये 800 मीटर वाइड, ठीक है जी, तो 800 मीटर चौड़ी है ये रिवर, फ्लो एट अ रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आर, तो ये देखिए ये फ्लो कर रही है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, है ना, कितना 6 किलोमीटर पर आर। अ स्विमर हु कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आर, ठीक है जी, तो एक स्विमर है वो सीधा स्विम कर सकता है एट अ स्पीड ऑफ कितना, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर, या एम लिख देता हूं मैं ना, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना बता रखा है 10 किलोमीटर पर आर। विशेस टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट, विशेस टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट, ये स्विमर चाहता है कि रिवर को सीधा क्रॉस करे, ये स्विमर चाहता है कि रिवर को सीधा क्रॉस करे। अलोंग व्हाट डायरेक्शन ही मस्ट स्ट्राइक, अलोंग व्हाट डायरेक्शन ही मस्ट स्ट्राइक, किस डायरेक्शन में उसको स्ट्राइक करना चाहिए। ओ, अब आप मुझे बताओ, एक नदी है इस तरफ फ्लो कर रही है, एक नदी है जो इस तरफ फ्लो कर रही है, अगर मैं वहां सीधा जाऊंगा तो क्या मैं एग्जैक्ट सीधा पहुंच पाऊंगा, क्योंकि अगर नदी इस तरफ बह रही है और मैं सीधा जाऊंगा तो नदी तो मुझे धकेल के इस तरफ कर देगी, पर मैं नहीं चाहता हूं इस तरफ जाना, तो मुझे कहां को जाना पड़ेगा बताओ जरा, मैं नहीं चाहता हूं, मैं तो सीधा पहुंचना चाहता हूं, तो मुझे किधर को जाना पड़ेगा, इस तरफ को जाऊंगा, मैं इस तरफ को जाऊंगा तब जाके नदी मेरे को डाइवर्ट करेगी और तब मैं वहां पे पहुंच पाऊंगा जहां मुझे जाना है ना, तो ये जो यहां पर बोल रखा है वेलोसिटी ऑफ मैन, ये नहीं होगा, आदमी जो है उसको यहां को नहीं जाना है, क्योंकि अगर वो इस डायरेक्शन में गया तो नहीं पहुंच पाएगा। तो जरा समझिएगा, लेट से कि ये पॉइंट ए है एंड ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो आदमी को ना इस तरफ से जाना होगा, दिस शुड बी द वेलोसिटी ऑफ मैन, इस डायरेक्शन में है ना, आदमी को ऐसा जाना होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन ये रहेगी वो, तब जाकर के ये जो नदी है उसको यहां पर पहुंचाएगी, है ना, मतलब इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं सी का। अगर ये समझदार आदमी होगा, अगर ये समझदार आदमी होगा तो ये लेफ्ट की तरफ रहेगा, देख रहे हो, ये लेफ्ट की तरफ को तैरेगा, तब जाकर के नदी उसको राइट की तरफ को फेंक देगी। तो ये जो निकल के आया है, व्हाट इज दिस, ये वाला जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये क्या बन के आएगा, दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू द रिवर, ये VMR होगा, ये VMR होगा, और ये क्या है, ये तो VM है, क्योंकि आदमी तो लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है ना, तो VM कितना बता रखा है, VM कितना 10 बता रखा है, दिस इज द 10, एंड VR कितना बता रखा है 6। तो क्या आप ये निकाल सकते हैं कि भाई वो जो आदमी है उसको कितना डिग्री पे, मतलब कितना अल्फा, उसको कितना लेफ्ट की तरफ उसको जाना पड़ेगा, तो चलो ए वाला निकाल लेते हैं, इजी क्वेश्चन है ये, तो ए वाले का आंसर कितना आएगा, तो ये जो होगा 10 अल्फा विल बी इक्वल टू, अच्छा 10 अल्फा पहले कैसे निकलेगा, 10 अल्फा 10 तो ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी लगा सकते हो, देखो ये साइड आपको पता है ना, ये वाली जो साइड है, दिस साइड इज 6 किलोमीटर पर आर, ये वेलोसिटी 6 किलोमीटर पर आर की है, और ये कितनी की है, ये वाली हाइपोटेन्यूस वाली, दिस इज, ये जो हाइपोटेन्यूस वाली है ये कितने की है, 10 वाली है, तो क्या लगेगा यहाँ पर साइन, ओके तो साइन अल्फा, हम लोग साइन अल्फा करके निकाल सकते हैं ना, साइन अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 6 डिवाइडेड बाई 10 2 5 ज़ 10, तो इसका मतलब अल्फा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3 बाई 5, मतलब उस आदमी को वर्टिकली लेफ्ट साइड की तरफ उसको जाना पड़ेगा, वर्टिकल एंगल से लेफ्ट साइड की तरफ उसको जाना पड़ेगा एट एन एंगल ऑफ अल्फा, ही हैज टू ट्रेवल एट एन एंगल ऑफ अल्फा टूवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ द वर्टिकल, मतलब बी के, मतलब ये जो ए बी लाइन है ना, ए बी लाइन के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से उसको एट एन एंगल ऑफ साइन इनवर्स 3 बाई 5 से जाना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर साइन अल्फा ही लगाओ, आप यहाँ पर ए भी लगा सकते हो, 10 भी लगा सकते हो, बशर्ते आपको VMR पता होना चाहिए। क्या आप VMR निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा VMR, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, तो ये हो जाएगा ये बन जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ये बन जाएगा 10² - 6² 10² होता है 100, 6² होता है 36, 100 - 36 कितना होता है 64, 64 का रूट कितना होगा, क्योंकि ये तो रूट होता है, रूट इज 8, मतलब VMR 8 है। तो आप चाहो तो यहाँ पर 10 अल्फा भी लगा सकते थे, तो 10 अल्फा क्या हो जाता है, 10 अल्फा 6 बाई 8, इसका मतलब अल्फा क्या हो जाता है 10 इनवर्स
2 3 6 2 4 8, तो ये इसका आंसर हो जाता। तो सिमिलरली आप कॉस में भी निकाल सकते थे, तो कॉस में क्या निकलता 8/10 है ना, आप चाहो तो कॉस अल्फा करके भी निकाल सकते थे, तो कॉस अल्फा 8/10, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 4 8 2 5 10। तो आप साइन के फॉर्म में दिखाओ, टेन के फॉर्म में दिखाओ, कॉस के फॉर्म में दिखाओ, आप दिखा सकते हो, है ना। तो ये जो वर्टिकल है, मतलब वर्टिकली उसको लेफ्ट साइड की तरफ एट एन एंगल ऑफ साइन इनवर्स 3/5 और टेन इनवर्स 3/4 और कॉस इनवर्स 4/5 के हिसाब से उसको जाना होगा लेफ्ट साइड की तरफ, तब जाकर के वो पॉइंट, तब जाकर के वो पॉइंट बी पे पहुंचेगा एकदम स्ट्रेट। दूसरा, व्हाट शुड बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो यार ये तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वीएमआर है ना, वीएमआर ऑलरेडी निकाल चुके हैं। क्या आएगा वीएमआर, अंडर रूट 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, अंडर रूट 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, तो ये 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर बनता है अंडर रूट 64, अंडर रूट 64 कितना आता है 8, तो 8 किलोमीटर पर आवर इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी। देख रहे हो एक चीज, इस बार रिजल्टेंट वेलोसिटी कम हो गई है, क्यों कम हो गई है, आदमी की 10 थी लेकिन वो नदी के ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ जा रहा था, एक हिसाब से अगर देखा जाए तो वो नदी के एग्जैक्ट अपोजिट नहीं जा रहा था लेकिन नदी के अगेंस्ट जा रहा था, हल्का हल्का नदी के अगेंस्ट जा रहा था, इसकी वजह से 10 में से वो वैल्यू कम हो गई उसकी। कितनी वैल्यू आई, 8 वाली। पिछली बार इसके पहले वाले क्वेश्चन में वो नदी को चैलेंज नहीं कर रहा था, इस बार वो नदी को चैलेंज कर रहा है, नदी के डायरेक्शन के ऑपोजिटली जाने की कोशिश कर रहा है, पूरे तरीके से नहीं, क्योंकि अगर पूरे तरीके से वो ऑपोजिट जाता ऐसा और नदी ऐसे जा रही है तब तो उसकी वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर ही रह जाती। इस बार वो ऑपोजिट जा रहा है पर पूरे तरीके से नहीं जा रहा है, इसकी वजह से 10 का 8 हुआ, पूरे तरीके से गया होता तो 10 का 4 हो जाना था, समझ गए चीज। ओके, तो दूसरे का आंसर भी निकल गया सेकंड वाले का। थर्ड वाला देखिए, सी हाउ मच टाइम ही वुड टेक टू क्रॉस द रिवर, तो टाइम क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अच्छा भैया कौन सी वेलोसिटी लेंगे, तो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था कि ये जो है ये वर्टिकल डिस्टेंस है 800, तो वेलोसिटी भी आपको क्या लेनी होगी, वर्टिकल। तो इस बार आप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या लेंगे, वी एम आर, सो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 800 मीटर डिवाइडेड बाय वी एम आर कितना है 8 किलोमीटर पर आवर है, तो 8 किलोमीटर पर आवर का मतलब कितना हो गया 8000 मीटर पर आवर। तो देखो अब क्या होगा, यहाँ से 8 से 8 कैंसिल, तो टाइम का जो वैल्यू निकल के आएगा दिस विल बी 1/10 ऑफ एन आवर, 1/10 ऑफ एन आवर कितना होता है 6 मिनट, तो उसको कितना टाइम लग जाएगा 6 मिनट, उसको रिवर क्रॉस करने के लिए 6 मिनट लग जाएंगे, ठीक है 6 मिनट लग जाएंगे, डन। तो बड़े फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, ओके, विंड स्टार्ट ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय होल्ड अप इज अम्ब्रेला टू अवॉइड द रेन। ठीक है जी, अब यहाँ पर सुनिएगा जरा, ये जो बरसात हो रही है, बरसात वर्टिकली हो रही है, ठीक है, ये देखिए दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, किस हिसाब से हो रही है 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, रेन सीधी गिर रही है, रेन तो हमेशा सीधी गिरती है आपको मालूम है, ये जो रेन का डायरेक्शन बदलता है वो किस वजह से बदलता है, हवा की वजह से, ये जो हवाएं होती हैं ये डायरेक्शन को बदल देती हैं, बाकी रेन तो हमेशा सीधा गिरना चाहती है, ठीक है। विंड स्टार्ट ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट टू वेस्ट का मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि ये देखो दिस इज द डायरेक्शन, ये जो बरसात है मतलब सॉरी जो हवा चल रही है, हवा इस डायरेक्शन में चल रही है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ विंड, कितना 12 मीटर पर सेकेंड। मुझे बताओ बरसात के साथ क्या होगा, बरसात सीधा गिरना चाहती है, हवाएं लेफ्ट साइड को चल रही है, तो क्या होगा इफेक्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट, तो इफेक्ट ये होगा कि जो बरसात है बरसात कुछ ऐसी जाने लगेगी, क्या परफेक्ट सेंटर में से जाएगा, नो, परफेक्ट सेंटर में से नहीं जाएगा, थोड़ा ऐसा रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा ऐसा, क्यों, क्योंकि देखो वेलोसिटी ऑफ रेन ज्यादा है 35 मीटर पर सेकेंड, जबकि विंड थोड़ा कम है, तो इसकी वजह से जो रिजल्टेंट निकल के आएगा, रिजल्टेंट क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू विंड, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू विंड, इसका ओरिएंटेशन इसकी तरफ ज्यादा रहेगा, रेन की तरफ, मतलब क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है ना 35 मीटर पर सेकेंड, हाँ दोनों अगर 35 होते, विंड भी 35 एंड ये रेन भी 35, तो परफेक्ट बीच में से जाता,
या दोनों बारह बारह होते तो परफेक्ट बीच में से जाता, बट यहां पर क्या होगा कि ये इस तरफ को ओरिएंटेड रहेगा, 35 मीटर पर सेकंड की तरफ ये ओरिएंटेड रहेगा, करेक्ट। अब एक बंदा है, अगर हवा नहीं चलती, सुनो, अगर हवा नहीं चलती तो उस बंदे को अपना छाता ऐसा पकड़ना पड़ता था, अगर हवा नहीं चलती तो उसको अपना छाता कुछ ऐसा पकड़ना होता था, राइट, उसको अपना छाता कुछ ऐसा पकड़ना होता, पर क्योंकि अब हवा टेढ़ी हो चुकी है और बरसात अभी टेढ़ी हो चुकी है, किसकी वजह से, हवा की वजह से, तो उसको अब जो अपना छाता है क्या उसे ऐसा पकड़ना होगा, क्या उसे अपना छाता अभी ऐसा पकड़ना होगा, क्यों, क्योंकि देखो अब जो बरसात हो रही है वो ऐसा हो रही है, ठीक है, अब जो बरसात हो रही है वो इस वे में हो रही है, टेढ़ी हो रही है, इसलिए उसको छाता भी टेढ़ा पकड़ना पड़ेगा। तो यहां पर उन्होंने आपसे पूछा है इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय होल्ड अप हिज अम्ब्रेला, तो कौन सा एंगल, विच एंगल, नाउ नोटिस करो, उसको ये वाला एंगल चेंज करना पड़ेगा, ये वो एंगल है, क्या एंगल है ये, लेट्स से अल्फा, अगर वो अल्फा है तो क्या ये भी अल्फा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो मुझे बताओ क्या आप ये निकाल सकते हो, क्या ये आप अल्फा निकाल सकते हो, है ना, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, सी ये जो वेक्टर है ना ऊपर का VW 12 मीटर पर सेकंड, क्या मैं इस वेक्टर को ऐसा लिख सकता हूं, यहां पर आई कैन शिफ्ट ना वेक्टर, वेक्टर की अच्छी बात क्या है, आप वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, तो इसी वेक्टर को मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, सी इसी को मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, व्हाट इज दिस, इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो ये जो अल्फा होगा सॉल्यूशन, जो अल्फा होगा टेन अल्फा, टेन अल्फा क्या हो जाएगा यहां पर, टेन अल्फा क्या होगा, VW डिवाइडेड बाय VR, है ना, टेन अल्फा क्या होगा, VW डिवाइडेड बाय VR, सो टेन अल्फा इक्वल टू VW है यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय ये कितना है 35, सो अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स 12 डिवाइडेड बाय 35। अच्छा आपको मालूम है क्या कि 10 कितने पे 12 बाय 35 देता है, डू यू नो, अगर नहीं पता है तो लीव इट, लीव इट, सिर्फ इतना कर दो, अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स 12 बाय 35, ठीक है, तो इसको छाता जो रखना पड़ेगा वो 10 इनवर्स 12 बाय 35 किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, टुवर्ड ईस्ट, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि द बॉय मस्ट होल्ड, ही मस्ट होल्ड अम्ब्रेला, ही मस्ट होल्ड अम्ब्रेला टुवर्ड, he must hold his umbrella toward, अच्छा ये ईस्ट था, ये जानते होंगे आप, ये ईस्ट था और ये क्या था वेस्ट, तो उसको छाते को किधर को रखना पड़ रहा है, टुवर्ड ईस्ट की तरफ, he must hold his umbrella toward east at an angle 10 inverse 12 by 35 विथ वर्टिकल, ठीक है, ही मस्ट होल्ड हिज अम्ब्रेला टूवर्ड ईस्ट एट एन एंगल ऑफ 10 इनवर्स 12 बाय 35 विद वर्टिकल, मतलब वर्टिकली उसको ईस्ट की तरफ, देखो वर्टिकली उसको ईस्ट की तरफ अपना छाता ऐसा रखना पड़ेगा, ठीक है, तो ये जो एंगल हो गया अल्फा, ये दिख रहा है ना, दिस एंगल इज अल्फा, तो ये जो अपोजिट वाला एंगल है ये भी अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा क्या होगा 12 बाय 35, 12 by 35, क्लियर है, ये एकदम इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, अ पर्सन मूविंग ईस्टवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी, तो ये जो आदमी है ये आदमी ईस्ट की तरफ जा रहा है, आदमी की वेलोसिटी कितनी, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है 6 किलोमीटर पर आवर, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, ओके, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, यह है वेलोसिटी ऑफ रेन VR, कितना 8 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द अपेरेंट स्पीड ऑफ द रेन एंड द डायरेक्शन एट विच ही मस्ट होल्ड हिज अम्ब्रेला, अब देखो आदमी जा रहा है ईस्ट की तरफ, ये जो साइड है यह है ईस्ट, आदमी जा रहा है ईस्ट की तरफ, बरसात हो रही है नीचे की तरफ, तो इस आदमी को अपना छाता कैसे होल्ड करना चाहिए, कैसे होल्ड करना चाहिए, पहले तो आप एक बात समझ जाइए कि जो बरसात होती है वो अपना डायरेक्शन बदलती है बिकॉज ऑफ एयर, बिकॉज ऑफ विंड, ये जो हवाएं चलती है ना इसकी वजह से बरसात अपना डायरेक्शन बदलती है, तो आदमी अगर ईस्ट की तरफ जा रहा है, अगर आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो
तो कंपैरेटिवली जो हवाएं हैं वो किस डायरेक्शन में आपको लगती हैं, जो हवाएं हैं वो किस डायरेक्शन में आपको लगती हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ज़रा सोच के देखो, आप एक बाइक में बैठे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप आगे की तरफ जा रहे हो तो हवा किधर जाती है, पीछे की तरफ। आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो हवा किस तरफ चलेगी, फिर वेस्ट की तरफ। आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो तो हवा किस तरफ चलेगी, साउथ की तरफ। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हवाएं चलेंगी वो उल्टे डायरेक्शन में चलेंगी, और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ विंड। सी, आदमी जब आगे बढ़ रहा है तो हवा पीछे को चल रही है, और यही वो हवाएं हैं जो बरसात के रुख को बदलती हैं। तो वेलोसिटी ऑफ विंड कितना होगा, अगेन ये भी 6 किलोमीटर पर आवर होगा। क्यों? क्योंकि आप जितना स्पीड में जाओगे ऑपोजिटली हवाएं भी तो उतनी स्पीड में जाएंगी, आप रुक गए तो हवाएं भी रुक गई, सिंपल। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ विंड। इसकी वजह से क्या होगा कि जो बरसात होगी, बरसात अब ऐसी होगी, ठीक है, बरसात अब ऐसी होगी। दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू विंड। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू विंड, करेक्ट है ये चीज। तो अगर आदमी रुका हुआ होता तो उसको छाता सीधा पकड़ना था, रुके हुए आदमी को छाता सीधा पकड़ना था, लेकिन वो आदमी ईस्ट की तरफ जा रहा है तो अब उसको टेढ़ा पकड़ना होगा। और टेढ़ा कैसे पकड़ना होगा, तो देखो पहले ये जो कंपोनेंट है, ये पहले उसको छाता सीधा पकड़ना था, है ना, फर्स्ट। पहले अगर वो खड़ा रहता तो उसको छाता ऐसा सीधा पकड़ना पड़ता, पर क्योंकि अब वो ईस्ट की तरफ जा रहा है तो उसको छाता अब ऐसा पकड़ना होगा, क्योंकि बरसात का जो डायरेक्शन है वो बदल गया है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर वो आदमी ईस्ट की तरफ जा रहा है, इस डायग्राम के हिसाब से देखो आदमी ईस्ट की तरफ जा रहा है तो उसको छाता भी किस डायरेक्शन में पकड़ना पड़ रहा है, ईस्ट के डायरेक्शन में। देखो डायग्राम, अगर वो आदमी ईस्ट की तरफ जा रहा है तो उसको छाता भी कहाँ को पकड़ना पड़ रहा है, ईस्ट की तरफ पकड़ना पड़ रहा है, राइट। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि आप सपोज बाइक में बैठे हैं, दो लोग, एक बाइक चला रहा है एक पीछे बैठा है, होता है सबके साथ ये सिचुएशन होता है, आप लोग बाइक में बैठे हुए हैं दो लोग, ठीक है, बरसात होनी शुरू हो गई है लेकिन आपको पहुंचना है और आपके पास एक छाता है, तो पीछे वाला जो बंदा होता है वो क्या करता है, छाते को ऐसे पकड़ता है और आगे की तरफ रखता है। कभी नोटिस किया है, छाता हमेशा आगे को रखते हैं, क्यों? क्योंकि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसके अपोजिटली बारिश पड़ती है। आपको मालूम है जब आप बाइक चला रहे हो तो बरसात सीधा मुंह पे आती है, मुंह पे पड़ती जोर से, चट चट चट, कभी फील किया ही है, नोटिस किया है? अच्छा, कभी ऐसा हुआ होगा कि जैसे आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, लोकल ट्रेन में जा रहे हैं, बरसात हो रही है, आपने मुंह बाहर निकाला तो बरसात कहाँ पड़ती है, फेस पे। आज तक अभी ऐसा हुआ कि बरसात आपके सर के पीछे ऐसे पड़ रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं और बरसात उल्टा आपके सर पे आके पड़ रही है, ऐसा कभी हुआ है क्या? बहुत रेयर केसेस हैं। ये तभी हो सकता है जब आप आगे जा रहे हो और नेचुरली हवा चल रही हो आगे के डायरेक्शन में, तब हो सकता है कि आपके सर के पीछे पानी की बूंदे पड़े। वरना क्या होता है कि अगर नॉर्मल सिचुएशन है, मतलब हवा नहीं चल रही है लेकिन आप आगे को मूव कर रहे हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि बरसात आपके मुंह के ऊपर पड़ेगी, आपके फेस के ऊपर पड़ेगी। तो इस बंदे को ईस्ट की डायरेक्शन में ही छाता पकड़ना पड़ेगा। ये जा रहा ईस्ट की तरफ है, इसकी वजह से हवा वेस्ट की तरफ चल रही है, जिसकी वजह से जो डायरेक्शन हो गया बरसात की, वो टूवर्ड वेस्ट की तरफ हो गई। मतलब आदमी ईस्ट की तरफ जा रहा है लेकिन बरसात की बूंदे उसको ऐसे सामने आ रही है, ठीक है ना। तो ये कितना एंगल होगा, तो आप तो पता ही होगा, अब ये एंगल लेट से अल्फा है, तो यहाँ से ये एंगल भी अल्फा होगा। क्या मैं यहाँ से वेक्टर को शिफ्ट कर सकता हूँ, ये देखिए, क्या मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूँ, VW=6, तो ये भी तो VW=6 किलोमीटर पर आवर है। तो आप यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं अल्फा निकालने के लिए, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 6/8, तो tan अल्फा = 6/8। किलोमीटर पर आर से किलोमीटर पर आर वैसे ही कैंसिल हो जाता है, तो इसका मतलब अल्फा विल बी इक्वल टू 10 inverse 6/8। अच्छा, 6/8 कट होके कितना होता है, 2 3 6, 2 4 8, तो 10 inverse 3/4, ठीक है। इसका मतलब ही मस्ट होल्ड हिज अम्ब्रेला at an angle of 10 inverse 3/4 toward east from vertical, ठीक है, vertical से उसको east की तरफ at an angle of 10 inverse 3/4 पे रखना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि आप 10 inverse 3/4 ही लिखो, आप चाहो तो इसको साइन थीटा के, साइन अल्फा के टर्म्स में भी चेंज कर सकते थे। तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, 6/, अच्छा उसके लिए ये पता होना चाहिए रिजल्टेंट, चलो ये रिजल्टेंट भी निकाल लेते हैं। तो ये जो होगा सेकंड पार्ट, जरा देखिए यहाँ पर VRW क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू विंड क्या होगा यहाँ पर,
तो ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी पाइथागोरस लगाएंगे, है ना, क्योंकि देखो ये हाइपोटेन्यूस है ना, तो पाइथागोरस लगाएंगे। तो ये अंडर रूट 6² + 8² तो 6² होता है 36, 8² होता है 64। लकीली ये बनता है रूट 100 इज 10। सो ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी 10 km/h। सो द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू वाटर इज 10 km/h, है ना। तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि द अपेरेंट वेलोसिटी ऑफ रेन इज 10 km/h। आप जानते हो अपेरेंट का मतलब क्या होता है, मतलब जो आपको फील हो रहा है, सच में नहीं है। सच में तो रेन 8 km/h की स्पीड से गिर रही है, लेकिन आपको जो फील हो रहा है वो 10 km/h की स्पीड वाला रेन फील हो रहा है। इसीलिए अगर बरसात हो रही है, आप रुके रहो, आपके ऊपर पानी की बूंदें गिरेंगी, ओके नाइस, कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं, तब जो बरसात की बूंदें मुँह पे पड़ती हैं ना, वो बहुत तेज हिट करती हैं, बहुत ज़ोर से लगती हैं, चट चट चट, बहुत तेज लगती हैं। क्यों? क्योंकि उस बरसात की वेलोसिटी के साथ साथ एयर की वेलोसिटी भी एडअप हो जाती है, क्योंकि आप आगे को मूव कर रहे हैं, तो आप आगे को मूव करेंगे, हवा पीछे को चलेगी, तो वो वेलोसिटी भी एडअप हो जाती है, एज अ वेक्टर सम बन जाता है और सीधा आपके मुंह के ऊपर पड़ती है। क्लियर है? एक तो छाता जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उस डायरेक्शन में आपको छाता रखना पड़ेगा, नंबर वन। एंड नंबर टू, जो बरसात होगी उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। सो बेटर है कहीं पर बैठ जाओ, जब तक बरसात नहीं खत्म हो जाती बैठ जाओ, वरना एक तो मुंह पे पड़ेगी अलग, ऊपर से छाता पकड़ने का भी झंझट अलग हो जाता है। ओके तो ये वेक्टर्स के ऊपर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए। दो टाइप के क्वेश्चन आपने नोटिस किए होंगे, एक टाइप वन और एक टाइप टू। टाइप वन में जो भी क्वेश्चंस थे वो वेक्टर के फॉर्म में थे, इसलिए वहां पर हमने वेक्टर के रूल लगाए। और ये जो टाइप टू के क्वेश्चन है, टाइप टू के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है वो स्केलर फॉर्म में थे, तो यहां पर आपने नोटिस किया होगा कोई वेक्टर का एक्सप्रेशन नहीं लगाया हम लोगों ने। तो कभी भी रिजल्टेंट वाली बात आएगी, यहां पर मैं लिख देता हूं, अगर कभी भी रिजल्टेंट निकालना हो, क्वेश्चन अगर वेक्टर के फॉर्म में है, क्वेश्चन अगर वेक्टर के फॉर्म में है, दैट मीन्स अगर आपके पास इनपुट वेक्टर के फॉर्म में है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए अप्लाई करो r=vP+Q, दोनों को ऐड कर देना है। लेकिन अगर इनपुट आपके पास स्केलर फॉर्म में है, स्केलर फॉर्म में है, तो जो रिजल्टेंट निकल के आता है ये ऐसे आएगा p² + q² + 2pq cos θ। ये कैसे मालूम पड़ेगा कि इनपुट वेक्टर फॉर्म में है स्केलर फॉर्म में? भाई अगर इनपुट वेक्टर फॉर्म में होगा तो आपके क्वेश्चन में आपको IJK दिखाई देगा, IJK डायरेक्शन वेक्टर दिखाई देगा। लेकिन अगर क्वेश्चन स्केलर फॉर्म में होगा तो IJK नहीं दिखाई देगा, नंबर वन। एंड नंबर टू, आपको उन दोनों के बीच का एंगल दिखाई देगा, जैसे थीटा दिखाई देगा। आपने नोटिस किया होगा यहाँ हर एक क्वेश्चन में थीटा है, जैसे इस रेन वाले क्वेश्चन में थीटा कितना था, 90 डिग्री, क्योंकि बरसात नीचे हवा इधर, तो एंगल कितना, 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपको एंगल दिखाई देगा, स्केलर फॉर्म में जब क्वेश्चन रहेगा तो वहाँ एंगल दिखाई देगा, एंड अगर वेक्टर फॉर्म में रहेगा तो वहाँ पर आपको IJK मिलेगा। तो वेक्टर फॉर्म में रिजल्टेंट कैसे निकलता है, p+q करके, एंड स्केलर फॉर्म में रिजल्टेंट निकलता है √p² + q² + 2pq cos θ करके। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द टॉपिक। नॉलेज होना अलग है एंड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना अलग। तो अगर आप किसी भी टॉपिक की और डिटेल जानकारी चाहते हैं या फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर बोर्ड एंड एंट्रेंस, तो डाउनलोड कीजिए पुरशोरा क्लास ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर, या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यहाँ पे आपको ढेर सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, वो भी बहुत ही नॉमिनल प्राइस में। एंड फाइनली प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर न्यू नोटिफिकेशन।